हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा एक्वेरियम, और एक्वेरियम के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो हमारे वेस्ट मटेरियल के रहेंगे, और मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो प्लीज़ गाइज, आप वीडियो तो पूरी देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं टॉर्टल्स, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन कलर की एक बॉटल की कैप। आपके पास अगर ग्रीन कलर की कैप नहीं है तो आप लोग नॉर्मल कैप को लेके उसको कलर कर सकते हैं ग्रीन, और उसके बाद इसके ऊपर क्ले लगा सकते हैं। और क्ले लगाने के बाद ब्लैक कलर के मार्कर से इसके ऊपर मैंने हाइलाइट्स करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमारा टॉर्टस बनके हो चुका है रेडी। अब हम इसी तरीके से और भी वाटर एनिमल्स बना लेंगे, जैसे कि फिश हो गई, और उसी के अलावा ऑक्टोपस, जेलीफिश एंड मैनी मोर वाटर एनिमल्स। तो यहाँ पे फिश के लिए मैंने व्हाइट कलर की कैप ली थी, इसी के साथ साथ मैंने ग्रीन कलर के फिन्स लगा लिए थे और ग्रीन कलर की टेल लगा ली थी फिश की। और ये बनने के बाद दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आगे भी मैंने इसकी माउथ लगा दिया था, और उसके बाद बीच में मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से हाईलाइट कर दिया था, और ये हमारी फिश बन के हो चुकी है रेडी। और इसके बाद हम बना लेंगे अपनी नेक्स्ट फिश। इस फिश का नाम है पफर फिश। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर की क्ले ले ली थी, और उसके ऊपर मैंने टूथपिक कट करके लगा दी थी। इसके ऊपर हम लगाएंगे खूब सारी फिशेस, और उसके बाद एंड में लगाएंगे हम इसके ऊपर आइस, एंड उसके बाद लगाएंगे एंड माउथ। तो हमारी पफर फिश बन के हो जाएगी कम्प्लीट। वाटर एनिमल्स हमारे लगभग बनके हो चुके हैं रेडी। जो दो तीन वाटर एनिमल्स लास्ट में रह गए थे वो मैंने वीडियो के एंड में समझाए हैं कि हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स क्विकली मेक पफर फिश। लेट्स क्विकली मेक द एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के लिए यहाँ पे मैंने एक शू बॉक्स लिया था, और शू बॉक्स बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो मैंने बाहर से चेंजेस ना करते हुए अंदर से इसको डेकोरेट करा। और इसके अंदर सबसे पहले बेस के ऊपर लगाई ग्लिटर शीट ब्लू कलर की, और उसके बाद साइड्स में भी हम कवर कर लेंगे अच्छे से ब्लू कलर। और ब्लू कलर की शीट्स मैंने यहाँ पे ली है लाइट ब्लू कलर। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, एनी कलर यू वांट। हम इसको अच्छे से कवर करने के बाद आगे की डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा बॉक्स हो चुका है अच्छे से कवर, और तब तक के लिए आप एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। एक मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है, इससे मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से हो जाएंगे कंप्लीट। साइड पे मैंने वेस्ट ग्रास लगा दी थी, और उसके बाद वेस्ट ग्रास लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक डमी ग्रास लगा दी थी, और ऊपर की तरफ मैंने ब्राउन कलर का पेपर लगा दिया था। बीच में जो एनिमल्स बनाए थे वो लगा दिए थे, यहाँ पे मैंने क्ले की बनाई थी ब्रिक्स वो लगा दी थी, और उसके बाद मैंने एंड में, मुझे थोड़े एनिमल्स कम लग रहे थे इसलिए मैंने बनाया था ऑक्टोपस एंड जेलीफिश। ऑक्टोपस इज़ रियली वेरी इजी। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी कि आपको ऑक्टोपस कैसे बनाना है। ऑक्टोपस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो और इसके बाद हम बनाएंगे जेलीफिश। जेलीफिश के लिए यहाँ पे मैंने एक येलो कलर की शीट ली थी, उसके ऊपर मैंने फेस बनाया था, और नीचे मैंने यहाँ पे स्पायरल वायर कट करके लगाई थी जो कि जेलीफिश की लेग्स बन गई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी बनने के बाद। अब हम इसको भी लगा देंगे, और उसके बाद एंड में हम लगाएंगे छोटे छोटे मिरर्स जो कि मोस्टली एक एक्वेरियम में होते ही हैं। मिरर लगाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे लाइट्स, और लाइट्स लगाने के बाद इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया था। आप यहाँ पे फेरी लाइट लगा सकते हैं, फेरी लाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से इसका लिंक ले सकते हैं, ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती। फेरी लाइट्स को लगाने का ट्रिक भी बहुत ईजी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है अपनी वीडियो में। फेरी लाइट लगाने के बाद इसको हम ऊपर से कर देंगे बंद। बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने OHP शीट का यूज़ करा था, तो चलिए पहले क्विकली लगा लेते हैं हम फेरी लाइट एक्वेरियम के अंदर।
शीट लग चुकी है, इसके बाद हम लगा लेंगे OHP शीट और इसको हम क्लोज़ कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको फाइनल टच देंगे। फाइनल टच मैंने किस तरीके से दिया है आप वीडियो की एंड तक देखते रहें, और जब ये पूरा एक्वेरियम बन जाएगा ना तो गाइज इसकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये उसके बाद। OHP शीट हमारी स्टिक हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगा देंगे और स्ट्रिप्स हम चारों तरफ लगाएंगे इक्वल स्ट्रिप्स, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिप्स के ऊपर बनाएंगे डिज़ाइन, और उसके बाद हमारा एक्वेरियम बनके हो जाएगा रेडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ।